दोस्तों यहाँ पर कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने Redmi 6, 6A, 7 के बारे में बताया था कि किस तरह से आप उसमें MIUI 12 का अपडेट यूज़ कर सकते हो अभी से ही, मतलब कि MIUI 12 का सारा फीचर्स यूज कर सकते हो। तो उसमें दोस्तों बहुत सारे मेरे पास ऐसा कमेंट आया कि भाई Redmi 8, 8A, 8A 12 के बारे में ही बताओ कि इन सभी डिवाइस में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं लेकर आ गया हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल चीज़ बताने वाला हूँ कि इन सभी डिवाइस में आप किस तरह से यूज कर सकते हैं सारा फीचर। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों अपने फोन का आप जैसे ही पावर बटन को क्लिक करोगे कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका डिवाइस अनलॉक होगा तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस एनिमेशन देखने को मिलेगा। उसके जैसे ही आप ऊपर से नीचे स्वाइप करोगे तो आपको कंट्रोल सेंटर कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा और साइड में स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन सेट कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो सारा चीज़ दोस्तों इंस्टॉल अब मैं धीरे धीरे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद अपडेटर ऐप पर अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूरा का पूरा MIUI 12 वाला अपडेटर ऐप भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। और अपडेट दोस्तों अगर आपका पास आएगा तो उसका भी लुक आपको उसी टाइप का आएगा, ठीक है। अगर आपका MIUI 11 का ही अपडेट आएगा फिर भी आपको MIUI 12 का जो अपडेट वाला डिज़ाइन आता है वही सेम डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, सारा चीज़ें देखने को मिलेगा। और दोस्तों बात करें सिक्योरिटी एप्लीकेशन की तो सिक्योरिटी एप्लीकेशन भी दोस्तों आपको बिल्कुल सेम MIUI 12 वाला सिक्योरिटी एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। और साथ साथ दोस्तों इसमें अल्ट्रा बैटरी सेवर मिलेगा, जितना भी फीचर है दोस्तों सारा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अल्ट्रा बैटरी सेवर मिलेगा और यहाँ पर सिक्योरिटी स्कैन मिलेगा, सारा चीज़ दोस्तों क्लीनर मिलेगा, सारा आपको MIUI 12 वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर है इंपॉर्टेंट जो कि मैं APK के फॉर्म में दोस्तों मैं अपना टेलीग्राम चैनल में दे दे रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, सारा APK मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी लिंक आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि लिंक मैं दूंगा तो एक दो दिन वर्क करता है, उसके बाद लिंक भी वर्क करना बंद कर देता है, तो जिसके वजह से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई हमारा अपडेट नहीं हो रहा है। इसलिए टेलीग्राम चैनल में जाओ, आपको डायरेक्ट APK का फॉर्म में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और वहाँ पर आपको सिस्टम लॉन्चर का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर कर सकते हैं। और कंट्रोल सेंटर की बात है तो आपको यहाँ पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा MIUI कंट्रोल सेंटर लिख के, ठीक है। तो प्ले स्टोर में आपको लिखना होगा MIUI कंट्रोल सेंटर। जैसे MIUI कंट्रोल सेंटर आप लिखेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर मैंने डाउनलोड करके रखा है। इसको सिंपली आपको ओपन करना है और जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके बाद आपको परमिशंस मांगेगा। आपको यहाँ एक्सेसिबिलिटी का परमिशन देना होगा, आपको यहाँ पर रन इन बैकग्राउंड का परमिशन देना होगा, मतलब जो जो परमिशन मांगेगा सारा आप दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ये भी आपको इनेबल हो जाएगा और अपडेटर का भी आपको APK मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल में सारा APK आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आपको सिंपली उसे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और सिक्योरिटी एप्लीकेशन का भी APK मैं दे दूंगा, वहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको। और किन्हीं को अगर कुछ दिक्कत आता है दोस्तों इन सभी में, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपको होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मान लेते हैं आपको किसी भी एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि आपको सिक्योरिटी एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो इसके आपको ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है और आपको सिंपली यहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको क्लिक करके अनइंस्टॉल अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अनइंस्टॉल अपडेट पे क्लिक करेंगे आपका जो अपडेट है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, आप पुराने वाले वर्जन में वापस चले जाएंगे। उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम उस एप्लीकेशन की वजह से हो रहा था वो अब आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और अब बोलेंगे कि सिस्टम लॉन्चर वाला जो है वो कैसे आएगा, ठीक है। तो सिस्टम लॉन्चर का तो APK मिलेगा और उसको अनइंस्टॉल कैसे करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर सिक्योरिटी एप्लीकेशन में जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मैनेज ऐप्स में जाना होगा, ठीक है। मैनेज ऐप्स में जैसे जाएंगे आप मैनेज ऐप्स में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही सिस्टम SYS सिस्टम सर्च करेंगे आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद सिस्टम लॉन्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाकर आप इसको भी अनइंस्टॉल अपडेट कर सकते हैं, अगर कुछ अगर सिस्टम लॉन्चर की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा तो यहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी हो गया अनइंस्टॉल अपडेट के बारे में और बाकी सारा फीचर है। और दोस्तों अब लास्ट बचा यहाँ पर हमारा जो थीम, जो कि हम दोस्तों लॉक करते हैं अनलॉक करते हैं तो कुछ इस टाइप का आपको एनिमेशन देखने को मिलता है, सुपर लाइव वॉलपेपर वाला अनलॉकिंग एनिमेशन इस टाइप का देखने को मिलता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जाना है थीम स्टोर में और उसके बाद सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा थीम मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर है हमारा देख सकते हैं OS है OS Mars V11 दोस्तों, बिल्कुल सेम इसी तरह आपको लिखना है, OS लिखना है कैपिटल में, उसके बाद स्पेस देना है MARS Mars V11 इस टाइप का बिल्कुल स्पेस दे के आपको लिखना है, तभी ये थीम आपका आएगा। उसके बाद आप इस थीम को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बाकी बिल्कुल सेम सा आपको लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो फ्लोटिंग विंडो के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले MIUI 12 का जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब कि सिक्योरिटी एप्लीकेशन का APK जो मैं आपको दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में, उसको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। उसके इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करना है, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाओगे यहाँ पर आपको वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये सबसे पहले ऑफ हो सकता है तो आपको इसको ऑन कर लेना है। उसके ऐप्स में जाना है, उसके जो भी मतलब एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन में आपको इसको क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लिक कर देंगे सारा में, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूट्यूब में क्लिक किया है, तो दिखा देता हूँ मैं आपको यूट्यूब में कि किस तरह से होगा, ठीक है। तो यूट्यूब सबसे पहले आपको खोलना है, उसके बाद जैसे ही आपका यूट्यूब ओपन होगा, थोड़ा सा आपको एक मिनट, हाँ, तो यूट्यूब जैसे ही ओपन होगा उसके बाद आपको साइड से स्वाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जितना भी एप्लीकेशन से सारा आ गया, आप जो भी खोलना चाहते हैं आप खोल सकते हैं। चाहे तो यहाँ प्ले स्टोर है तो प्ले स्टोर खोलोगे, देख सकते हैं प्ले स्टोर आपको यहाँ पर मल्टी विंडो में यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से आप यूज कर सकते हो, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक, आप चाहे जितना चाहे उतना यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्रोम यूज कर सकते हो आप, देख सकते हैं एक मिनट, ओह यहाँ पर दोस्तों पहले यहाँ पर दो तीन यूज कर सकते थे, मगर हो सकता है कि इसमें इस वर्ज़न में हो सकता है एक ही यूज करने दे रहा, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे अपडेट आएगा दोस्तों, अपडेट का वीडियो मैं बनाता रहता हूं, तो वो सब वीडियो देखकर आप यहां पर और भी ज़्यादा यूज कर सकते हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। आपको धीरे धीरे सारा वीडियो मेरे चैनल पर मिलेगा, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर शुरू करके रखिएगा, तभी आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, क्योंकि मैंने अपने चैनल में चेक किया तो लगभग दोस्तों 8-10% यूजर्स ऐसे हैं जिसने सब्सक्राइब किया, और बाकी 90% यूजर्स ऐसा है जो कि दोस्तों मेरा वीडियो देखते हैं मगर अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों आप सोचते हैं मुझे पता नहीं चलेगा, मगर मुझे पता चल जाता है, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर शुरू कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको, आपके लिए ही मैंने इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो आपको एक सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों बस मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।